Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. मैं सुलेखा अरफान, सुलेखा's किचन से. मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ. तो आज मैं क्या बना रही हूँ? गुड क्वेश्चन. आज मैं बना रही हूँ एक लबाबदार, बढ़िया सी ग्रेवी है, मजेदार सी, चटपटी भी है. स्पाइस अब आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिए. और वैसे ये अंडों की रेसिपी, जैसे अंडे हम तो रेगुलरली बनाते रहते हैं, लेकिन अंडों की रेसिपी सर्दियों में बहुत अच्छी लगी. तो विंटर्स आ गए हैं, विंटर इज बैक. नहीं, क्या था वो? विंटर इज कमिंग. तो उस हिसाब से मैंने अंडा लबाबदार, एग लबाबदार बनाया है. जरूर बनाइएगा. तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की. चलिए, तो ये पतीली मैं गरम पे रख दी हूँ और ये है 6 अंडे. इसे मैंने बॉईल कर लिया, इनफैक्ट 6 ही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडों को मैंने बॉईल कर लिया. बराबर नॉर्मली जैसे आप बॉईल करती हो वैसा कर लीजिए. अब मैं क्या कर रही हूँ मालूम है? ये एक एक अंडे के अंदर है ना, स्लिट मार देती हूँ. स्लिट मतलब समझ गए आप, बस इस तरीके से. और तेल डाल दीजिए इसके अंदर, पैन पतीली जिसमें भी बना रहे हैं आप, और थोड़ा उसे गरम हो जाने दीजिए. जब थोड़ा गरम हो जाए तो हम ये स्लिट करे हुए अंडे एक एक करके सारे डाल देंगे और उसे फ्राई कर लेंगे, है ना. बार बार चलाते नहीं, बस कुछ देर ही फ्राई करें इनको. जब चारों ओर से हल्के हल्के स्पॉट्स आने लग जाएं, बस उसके बाद निकाल लीजिए. चलिए ये हो चुके हैं, आप देख सकते हैं. तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और इन्हें साइड पर रख दीजिए. वो एक थोड़ा सा मेरा पहले से ही थोड़ा सा टूटा फूटा था, कोई वादा नहीं, अंडा ही है, मैं उसमें डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. तो चलिए अब हम मसाला बनाते हैं इसका. वही पतीली का चूल्हा चालू कर दीजिए. आपको चाहिए तो थोड़ा सा तेल डालना है तो डाल दीजिए, बेशक 2 तेज पत्ता डाल दीजिए, 1 डांडी दालचीनी की और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा. ये सारी चीजें तड़तड़ा जाए तो 1 मीडियम साइज की छूंदा प्याज डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें. आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो प्याज है लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती. जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, हल्का सा पानी डालिए और इसे मिक्स कीजिए. और ये अदरक लहसुन को भी फ्राई कीजिए. आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए. जब इस तरीके से अदरक लहसुन फ्राई हो जाता है तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने बारीक उसमें ये ग्रेट कर लिया था, तो इसे भी डालकर मैं मीडियम आंच पर 3-4 मिनट के लिए इसे फ्राई कर रही हूँ. टमाटर भुना रहे हैं तो साइड बाय साइड ये प्रिपरेशन कर लेते हैं हम. ये है तकरीबन समझिए ना 10-12 काजू, 1 टेबलस्पून भरकर है ये. और 1 टमाटर मीडियम साइज को इस तरीके से काट कर, रफली काट कर डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लगे थोड़ा पानी डालकर बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर होए तक इसे इस तरीके से पीस लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए. चलिए टमाटर भून चुके हैं, 2-3 मिनट हो चुकी है, थोड़ा ड्राई भी हो चुका है आप देख सकते हैं. तो अब यहाँ चूल्हा स्लो कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच नमक और आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर भर के डालिएगा और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. ये कश्मीरी है तो 2 डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं. 3/4 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए. 1/4 कप पानी डालकर इसे पहले तो मीडियम आंच कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए. हल्का उबाल आ जाता है तो इसे ढक कर धीमी आंच पर पकने दीजिए. तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता तब तक. चलिए तेल बहुत अच्छे से छूट चुका है 3-4 मिनट के बाद, तो मैं फिर से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ. मैं तकरीबन आधा कप डाल रही हूँ क्योंकि मेरी पतीली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर सूख जाता है मसाला. तो आप चाहें तो 1/4 कप डाल सकते हैं. इसे मिक्स कर लीजिए, ढक कर इसे फिर से धीमी आंच पर पकने रख दीजिए. तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता. चलिए 3-4 मिनट में तो अच्छा तेल छूट चुका है फिर से. अब जो क्रीमी टेक्सचर हमने बनाकर रखा है टमाटर और काजू का पेस्ट, वो डाल दीजिए सारा मिक्सर जार में से निकाल कर. जो भी मिक्सर में लगा हो वो सारा लीजिएगा ढक्कन वगैरह से भी, और इसे बहुत अच्छे से एक बार चला लीजिए और इसका चूल्हा मीडियम आंच कर लीजिए और आधे 1 मिनट तक इसे पकने दीजिए. जब आधे 1 मिनट के बाद आप देखें कि हल्का हल्का इसमें तेल छूटने लगा है तो इसमें डाल दीजिए 1/4 कप जितना पानी मिक्सर जार के अंदर चलाकर. जब उसमें डाल दें तो एक उबाल आ जाने दीजिए. एक उबाल आ जाता है तो ढक कर इसे धीमी आंच पर 4-5 मिनट के लिए पकने दें, या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता तब तक.
चलिए 3-4 मिनट में तो अच्छा तेल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट टेस्ट आता है, आप जरूर डालिएगा। अच्छा मैं ना गाय गाय में काटना भूल गई, देखिए मुझसे मिस हो गया, तो मैं फिर से इसे काट कर प्रॉपरली डाल देती हूँ। मिक्स कर लीजिए एक बार। 1/4 कप मलाई भी डाल दीजिए, वैसे मैंने बाजार के लिए, आप चाहें तो दूध के ऊपर की घर की जो मलाई होती है वो ले सकते हैं, पहले बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा मलाई को। चलिए मिक्स कर दीजिए। अब थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, स्लो आंच पर ढक कर इसे 2-3 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए 2-3 मिनट हो चुकी है, तेल देख सकते हैं हल्का हल्का ऊपर आ चुका है। यहाँ पर मैं 3/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी भी डाल दीजिए, हाथों की मदद से क्रश करके मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए, हल्का उबाल आ जाए तो ये जो आपने अंडे फ्राई करके रखे सारे तेल वगैरह जो भी प्लेट पर लगा वो सारा डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए। अच्छा यहाँ पर मैं 1/4 कप जितनी चीज़ खुरच कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके इसे ढक कर 6-7 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए 6-7 मिनट हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है, मैं एक बार चला लेती हूँ और चूल्हा कर दीजिए बंद। बहुत अच्छे से पक चुका है, इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, मैं 1-2 हरी मिर्चियाँ स्लिट मार के डाल रही हूँ, आप चाहें तो बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चक्के दिखा देती हूँ बना कैसा है, वैसे तो दिख बड़ा मजेदार सा रहा है, तो मैं आपको चक्के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, टेक्सचर भी एकदम क्रीमी, ऐसा लग रहा है रेस्टोरों में खा रहे हो, मजेदार सा बना है। अच्छा अब आप चाहे ना तो एज इट इज इसे ऐसे ही अंडों को निकाल के प्याले में निकाल के ग्रेवी के साथ सर्व करें। थोड़ी सी मैंने अभी जैसे आपने देखी कोथमीर वगैरह डाली, हरा धनिया आप और ऊपर हरा धनिया डाल दें और सर्व कीजिए। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ना ये जो अंडे डाले उसके बीच से पीसेस कर रही हूँ और फिर उसे एक प्याले में निकालूंगी और ऊपर से हरी मिर्च तो यहाँ रखी हुई वो भी साइड पर रखूंगी और थोड़ी सी कोथमीर डाल दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा चीज ऊपर से आप खुरच कर डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो वो जो जैसे आपने मेरा एक अंडा देखा है एक अंडा एक्स्ट्रा बना लीजिए और उसे खुरच के ऊपर से डाल दीजिए, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में वैसा भी किया जाता है। सो चलिए बस मैं वो करती हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। जैसे मैंने कहा मैंने एक प्याले में निकाल लिया और जो अंडे हैं उसे मैं पीसेस करके इस तरीके से सेट करके डाल रही हूँ। थोड़ी सी एक हरी मिर्ची भी लगा दूंगी और थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ, हरा धनिया, और गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा एक लबबदार मज़ेदार सा। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में स्पेशली इसे ज़रूर ये लिंक्स को शेयर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चालू करूं? एक मैं भूल गई, कट करो। अच्छा तो चलिए बनाते हैं साधारण, नहीं आपने कुछ और बोला था मुझे विंटर में स्पेशल, साधारण इंग्रेडिएंट्स यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट। अंडा लबबदार, एग लबबदार बनाया है, जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा।